नमाज़ फजर के बाद का ये व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो जनाब यहाँ पे मक्का में आज हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड डे है और जिस होटल में हम लोग रुके हैं इसका नाम है अंजुम होटल, 5-स्टार होटल है। और अभी जस्ट ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है तो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे जो है वो किस तरह का होता है, उसमें क्या कुछ होता है। ब्रेकफास्ट बफे जो है इस पर बहुत सारी ऑप्शंस थी। ये यहाँ पर चिकन की एक कोई ग्रेवी कोई सालन सा बना हुआ था, वो मैंने ले लिया है। इसके अलावा सैलड बार है, फ्रूट सैलड बार है और जो वेजिटेबल सैलड बार वो अलग है। और इसमें तरह तरह के फ्रूट्स जो है इन्होंने इस तरह से फ्रेश कट करके रखे हुए हैं। ये यहाँ पर योगर्ट का सेक्शन है, यहाँ पर जो सादा दही होता है वो भी पड़ा हुआ है और फ्लेवर्ड योगर्ट जो है वो भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा चीज़ पड़ी हुई है, बेकन्स पड़े हुए हैं, ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है, लेमन जूस पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर इनका वेजिटेबल सैलड बार है और पिकल्स बार है। यहाँ पर इन्होंने जो अचार हैं डिफरेंट जो होते हैं विनेगर में खट्टे वाले वो वाले रखे हुए हैं और फ्रेशली कट वेजिटेबल्स भी रखी हुई हैं। यानी कि इन्होंने हर किसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। पाकिस्तानी है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अगर आप टर्की से हैं आपके लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जहाँ से भी हैं आपको कुछ ना कुछ आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने लीमू कट करके रखा हुआ है, टमाटर खीरे कट करके रखे हुए हैं। चीज़ यहाँ पर इतने टाइप की पड़ी हुई है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी जो ना कभी आपने देखी सुनी ना कभी खाई। तो ब्रेकफास्ट बफेट का यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने को मिलती हैं जो आपने कभी टेस्ट नहीं की या खाई नहीं है, तो वो मज़ा आ जाता है ज़रा टेस्ट करने में, चेक करने में। ये बेकन है, साथ मैंने सॉस ले ली है। ये यहाँ पर इनका ब्रेड सेक्शन है, यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी पड़ी हुई है, बन भी पड़े हुए हैं, वाइट ब्रेड भी पड़ी हुई है, ब्रेड लॉफ भी पड़े हुए हैं जो आपको चाहिए। और साथ इन्होंने यहाँ पे टोस्टर रखा हुआ है, टोस्टर में आपने इस तरह से ब्रेड रखनी है और ये नीचे से ब्रेड जो टोस्ट होके आपके पास आ जाएगी। सैलड बार के साथ यहाँ पर जैम बटर ये सब कुछ पड़े हुए हैं, हनी पड़ा हुआ है। ये इनका यहाँ पर केक्स एंड स्वीट डेजर्ट का जो है सेक्शन है वो है। यहाँ पे पफ पेस्ट्रीज हैं और सिंपल केक हैं, ब्राउनी केक हैं, बहुत ही मज़े मज़े की डेजर्ट हैं यहाँ पर। बॉयल अंडे पड़े हुए हैं और कुछ ग्रेवी है, पराठे हैं यहाँ पर, आलू के कटलेट्स हैं। ये इनका एग बार है, यहाँ पे आप चाहें तो हाफ़ फ्राई अंडा अगर आपने बनवाना है वो बनवा सकते हैं, ऑमलेट चाहें तो वो बनवा सकते हैं, ऑमलेट में आप वेज ऐड करना चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं, सिंपल प्लेन बनवाना है जिस तरह से भी आपको चाहिए वो इस तरह से आपको बना के देंगे। ये यहाँ पर इनका टी कॉफ़ी का सेक्शन आ जाता है, गर्म पानी, गर्म दूध, सादा पानी, जूस, कॉफ़ी के साशे, ग्रीन टी के साशे, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, जो आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। रूम में हम वापस आ गए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ये बटन्स लगाए हुए हैं, अगर आपने रूम को क्लीन करवाना है तो आपको कोई कॉल शॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपने बटन प्रेस करना है मेकअप रूम और वो आपकी आके तो सर्विस कर देंगे। और इसके साथ ही डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें।
बाकी रूम इनका स्पेशियस है और बेसिक जो नेसेसरीज़ हैं जो आपको ज़रूरत होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, पानी, टी, कॉफ़ी और इसके अलावा केटल और आयरन बोर्ड भी इन्होंने दिया हुआ है, आयरन भी दिया हुआ है और ये लॉकर दिया हुआ है जिसमें आप अपने पर्सनल एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स जो हैं वो यहाँ पर आप रख सकते हैं, जैसे हरम जाते हुए कुछ भी आपका एक्सपेंसिव चीज़ है वो इसमें रखें और जाएं। ये तो जनाब आज का व्लॉग, आई होप आपको रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।